नमस्कार साथियों, हम आमतौर पर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं सफलता के कनकाव शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो सफल होते ही हैं, पर न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों की सफलता में भी अपरोक्ष रूप से उनकी भूमिका होती है। मुझे खुशी है और गर्व है कि हमारे मंच पर, ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी पर, हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो स्वयं तो सफल है ही और न जाने कितनों की सफलता में भी उनका अपरोक्ष और परोक्ष योगदान है। एक ऐसा वक्त आया था मित्रों, जब यूपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया था और हिंदी माध्यम के छात्रों में एक अजीब सी निराशा का भाव फैलने लगा था। उस वक्त में हमारे बीच आज जो व्यक्ति मौजूद है, उनका रिजल्ट हिंदी माध्यम के लिए एक क्रांति की तरफ था। यह मैं बात कर रहा हूं आदरणीय निशांत जैन जी की, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, राजस्थान कैडर से हैं और केवल एक प्रशासनिक पदाधिकारी ही नहीं है, भैया एक प्रेरक व्यक्तित्व भी है। बहुत अच्छे कविताएं भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लेखन कार्य भी करते हैं और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि जो सैद्धांतिक तौर पर हमें बताया जाता है कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व का होना, वह हम प्रैक्टिकली रूप भैया के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। तो निशांत जैन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी और प्रिय मित्रों प्रभांशु, जगन्नाथ जी और रोशन जी। मैंने नाम सुना था आपकी इस फोरम का और आज विद्यार्थियों और शोधार्थियों का जो ये फोरम है, तो इस पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है अभी। धन्यवाद भैया, मैं, मेरे मित्र प्रभांशु और रोशन तीनों मिलकर के आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भैया, मैं प्रारंभ में आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हैं और अभी एक भारत देश संपूर्ण क्या पूरा विश्व COVID-19 की आपदा से जूझ रहा है, तो इस दौरान आपके दिनचर्या में किस प्रकार का फर्क आया, कैसी जिम्मेदारियों में फर्क आ गया इस COVID-19 के मुश्किल भरे छांव में? देखिए, यहाँ पर मैं केवल अपनी बात नहीं करूंगा, मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स की बात करूंगा जो इस महामारी में, आपदा में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान को भी, अपने परिवार की जान को भी खतरे में डालकर वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस दौरान, सबसे खास बात जो मैंने महसूस की इस पूरे 2 महीने से जो ये महामारी से हम पूरा देश जूझ रहा है, पहले भी और आपदाएं इस देश में आई हैं पर ये अभूतपूर्व है। और इस अभूतपूर्व आपदा के बीच में मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार है, सरकार वो केंद्र सरकार भी हो सकती है, वो राज्य सरकारें भी हो सकती हैं, और सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार की जो संस्थाएं हैं, उनके प्रति लोगों में एक बहुत अभूतपूर्व विश्वास जगा है। और उसका कारण भी है क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड, एक कहावत है, तो जो मुश्किल वक्त में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। और इस मुश्किल वक्त में हमारी सरकार और हमारा प्रशासन सच्चे दोस्त के रूप में हमारे सामने आया है। तो मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी कोरोना वॉरियर्स का, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, चाहे वो IAS अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, चाहे वो पटवारी ही हो, जो भी लोग फील्ड में जो गाइडलाइंस लगातार आ रही हैं उनका जो कंप्लायंस है वो लोग करा रहे हैं, मजबूत कंप्लायंस करा रहे हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। दूसरी बात है, सबको नमन आपके साइड। दूसरी बात है दिनचर्या में बदलाव की। अब दिनचर्या की तो बात ये है कि जो हमारे, मैं अपने कलीग्स की बात करूं, मैं खुद एक IAS अफसर हूं और मेरे जो बैचमेट्स हैं, जो IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, अपने अपने पूरे देश में, मतलब जब हम देखते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे देश में, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, पूरे देश में महामारी फैली हुई है। उस महामारी के बीच में जो लोग SDM हैं, जो लोग DM हैं, कलेक्टर हैं, जो लोग SP हैं, जो लोग ASP हैं, जो लोग, वो लोग इस तरह से, मतलब उनको दिन का पता है ना रात का पता है, उनको ये भी उनके घर में छोटा बच्चा है या उनके घर में बूढ़ी माँ है, लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर तमाम प्रिकॉशन बरत रहे हैं। पर प्रिकॉशन कितना भी बरते लेकिन खतरा तो रहता ही है, जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है। घर में रहना बहुत आसान होता है बट लोग घर में रहने को तैयार नहीं है। अगर मुझे कोई ये कहे कि आपको घर में ही रहना है तो सेफ, अगर मेरे व्यक्तिगत नजरिए से देखें तो वो अच्छा है, पर जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इस चीज की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं।
बिल्कुल भैया, और सब इसलिए हम और भी ज्यादा आपके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इस इतने जो आप व्यस्त दिनचर्या है आजकल आप लोगों की, और उसके बाद भी आपने अपने युवा भाई बहनों के लिए आज समय निकाला, तो सच में हम सब कृतार्थ हैं भैया। और मैं अब अगला उसका कारण बताता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो घर पे बैठे हैं, उनको घर पे जब वो हैं तो स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, घर पर रहकर पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये भी हमारी ड्यूटी है जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं फील्ड में, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको पॉजिटिव रखा जाए। तो उसके लिए अगर कुछ बात करने के लिए अच्छे लोग समय निकालें, जो अपने क्षेत्र के बड़े लोग हैं, मशहूर लोग हैं, जो हैं वो भी थोड़ा युवाओं से बात करते रहे, तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि ये संकट जीवन भर तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो सुबह आएगी और कभी ना कभी तो समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, और इसीलिए प्रभांशु के साथ मिलकर हमने चाहा कि आपका वक्त लिया जाए, क्योंकि आप एक पदाधिकारी तो हैं, साथ में जो आपके व्यक्तित्व की रचनात्मकता है वो भी इस कठिन दौर भरे समय में न जाने कितने युवाओं का प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन करेगी आज। प्रभांशु, आप अगला प्रश्न। जी जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ निशान जैन जी, हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं और आईएएस तो है ही है, उसके इतर आप एक कवि, एक लेखक, एक रिसर्च स्कॉलर, एक शोधार्थी के रूप में आपका जो व्यक्तित्व है वो न जाने कितने युवाओं को प्रेरणा देता है। आज हमने तय किया कि आपके साथ बातचीत होनी है, तो अभी आंधी तूफान काफी आने लगा था और जगन्नाथ ने शुरू में चर्चा, दिल्ली में काफी आंधी तूफान आ रहा है, तो जगन्नाथ ने चर्चा भी की कि कैसे वो एक दौर था जब हिंदी माध्यम में निराशा थी और अचानक से आप एक सूरज बनकर उभरे। मुझे शेर याद आता है कि आंधियों का दौर था, तूफान भी चलता रहा, एक दिया फिर भी हवाओं में कहीं चलता रहा, वो दीपक आप ही थे। तो मैं सवालों का क्रम आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आपकी स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूं भैया। आमतौर पर ऐसी एक धारणा होती है कि जो आईएएस होते हैं, जो आईएएस बनते हैं, वो अलग से स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक अलग महामानव की तरह होते हैं बचपन से ही, या एक उनकी अलग दिनचर्या होती। स्कूल में आप कैसे विद्यार्थी थे, क्या कभी आपके टीचर्स आपको डांटते थे, आपकी क्या इच्छाएं होती थी स्कूल में, कैसी आपकी गतिविधियां होती थी, आपके दोस्त कैसे थे, थोड़ा अपनी स्कूल लाइफ के बारे में चर्चा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि लोगों को लगता है कि आईएएस अधिकारी जो बच्चे बनते हैं बाद में बड़े होके, वो कोई महामानव होते हैं या कोई अलग तरीके से पैदा होते हैं या अलग तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसी एक से पूरे सैंपल का अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि हर साल 1000 लोग सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करते हैं, उसमें से ऐसे लोग भी होते हैं जो स्कूल में बहुत ब्राइट थे, टॉपर थे, और ऐसे लोग भी होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे, बाद में ग्रेजुएशन या उसके बाद उन्होंने पढ़ना ठीक से शुरू किया। तो इसलिए ऐसे एक सैंपल से अनुमान नहीं लगाएं, पर फिर भी मैं अगर अपनी बात करूं, अपने व्यक्तित्व की बात करूं, तो मैं जरूर हाँ एक पढ़ाकू किस्म का बच्चा हुआ करता था, और क्या कहते हैं कि मतलब बहुत सिंसियर, और क्योंकि साधारण परिवार से था तो पैदल स्कूल जाना, पैदल आना, और स्कूल में भी जो गतिविधियां हुआ करती थी, जो आप जैसे प्रभांशु डिबेटर हो, तो आपने पूरे डीयू में मतलब हजारों डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, तो ऐसी मैं जब स्कूल में था तो कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुआ करती थी, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो गीत हो, कविता हो, निबंध हो, किसी भी गतिविधि में जो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी उसमें सब में मैं पार्टिसिपेट किया करता। इसके अलावा एक चीज में मैं वीक था, मुझे वो गांधी जी की आत्मकथा याद आती है, उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद में एक्टिव नहीं था। तो यही चीज मेरे साथ भी थी, मुझे खेल कूद का शौक नहीं था तब भी और अब भी नहीं है, तो ये मेरे व्यक्तित्व की एक मैं समझता हूँ कि एक खामी है। पर ये जरूर है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा शौक था मेरा, पढ़ाई तो मैं पढ़ाई को मैं पहली प्रायोरिटी पे रखता था, पर पढ़ाई के साथ साथ ये सब जो होती है डिबेट्स और सब मंच पर बोलने की आदत, ये माइक पकड़ लिया था मैंने स्कूल में ही अपने, और स्कूल में जो माइक पकड़ा वो अब तक पकड़ा हुआ है, और पब्लिक स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, जो बाद में काम भी आता है, खासतौर पर जब हम किसी पद पर आ जाते हैं, किसी पब्लिक की पोस्ट पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है हमको, और वो चीज़ अगर स्कूल में सीख जाएं तो वो बहुत काम आता है। तो कुल मिला के बात ये रही
कि स्कूल में सब मस्तियां भी की, खेलकूद भी किया, ऐसा नहीं, पर खेलकूद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और क्रिएटिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की। बहुत सारी चीजें याद कर ली बचपन में ही जो अभी तक याद है, क्योंकि बचपन का याद किया हुआ हमेशा याद रहता है। तो इस तरह से करके बचपन एक बड़ा ही बहुरंगी तरीके से बीता, पर हाँ ये जरूर था कि मैं एक पढ़ाकू बच्चा था और मेरे घर वाले इस बात को लेकर कभी कभी चिंतित भी हो जाते थे कि इतना पढ़ता क्यों है। बारहवीं स्कूल लेवल की पढ़ाई के बाद एक बहुत चुनौतीपूर्ण एक मोड़ होता है जहां से तय होता है कि हमें वो है ना कि पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा खत्म करेगा। तो बारहवीं के बाद इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आमतौर पर बच्चों पर यही दबाव होता है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उस भावना को समझ पा रहे होंगे, खासकर हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां भी आप हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां बच्चों पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का बहुत दबाव होता है। ऐसा नहीं है कि ये बनना बुरा है, ये भी अच्छा है, लेकिन उस बीच में आपने ह्यूमैनिटीज चुना, आपने बीए किया, परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, आप और भी कुछ करना चाहते थे, किसी और यूनिवर्सिटी में भी आना चाहते थे, जैसे कि आपने मेरठ से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो क्या था, क्या थी चीजें बारहवीं के बाद, और आपकी ग्रेजुएशन का स्नातक का अनुभव कैसे रहा, उसके बारे में चर्चा करें। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने प्रभांशु, ये एक लंबी कहानी है पर मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि जब मैं करीब 8वीं क्लास के आसपास पढ़ा करता था तब मैं राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाया करता था। तो वहां पर मैं देखता था कुछ कभी दुकान अननेसेसरी बंद है या कभी कोई कम तोल करके सामान दिया जा रहा है, तो उस तरह की चीजें देख के मेरा जो बचपन था, मेरा जो मन था, नाजुक मन था, उसको बुरा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे ये पढ़ा मैंने कि जो अधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, वो इस चीज को सुधार सकते हैं और वो इन लोगों को कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा मुझे पता चला। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आया कि मैं भी कल को अधिकारी बनूंगा, अफसर बनूंगा। पता चला धीरे धीरे कि उसके लिए एक परीक्षा होती है, वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो वो देनी होती है। तो वो सब मैं ख्याल मन में चल रहा था पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था, कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं था। धीरे धीरे 10th किया 12th किया, उस समय एक डीएम होते थे मेरठ में, अवनीश अवस्थी सर होते थे, जो अभी उत्तर प्रदेश में जो मतलब गृह सचिव के रूप में है कार्यरत, और मालिनी अवस्थी जो है उनकी धर्मपत्नी है। तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ऐसे होने चाहिए डीएम और मुझे भी ऐसा डीएम बनना। तो ये तो बात रही कि ख्याल कहाँ से मन में आया, पर एक्चुअली क्या हुआ वो आप देखिए, 11th और 12th मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से किया था। कॉमर्स स्ट्रीम से करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आने लगी थी कि मुझे ह्यूमैनिटीज ज्यादा भाती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, आपका सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इस तरह के जो विषय हैं, साहित्य, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब, उर्दू, ये सब ज्यादा भाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ह्यूमैनिटीज के लिए मैं बनाऊं, ऐसा मुझे एहसास होने लगा था। हालांकि वो उम्र बड़ी नाजुक होती है और उस समय भावनाएं ज्यादा हावी रहती हैं आपके ऊपर, पर फिर भी मुझे ये तय कर लिया था मैंने कि मुझे ह्यूमैनिटीज में आगे जाना है। दूसरी जो एक गड़बड़ हुई मेरे साथ, उस समय एक बड़ी गलतफहमी चर्चित होती थी कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में, ऐसा एक सामान्य धारणा होती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में कोई भी विषय हो आप उसके साथ भी एग्जाम दे सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के विषय लेने चाहिए और मैंने वही किया। तो इस तरह से दो बातें हुई कुल मिलाकर, एक तो ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट था, नेचुरल इंटरेस्ट था, दूसरा ये एक बात मन में बैठी हुई थी कि मुझे आईएएस बनना है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज के विषय चुनना जरूरी है, वो उससे मदद मिलती है एग्जाम में। तो खैर जो भी हुआ, मैं चाहता था डीयू आकर के हिंदी ऑनर्स करना चाहता था, मेरा सपना था कि मैं बीए हिंदी ऑनर्स करूं, और मेरे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे, और अगर मैं डीयू का फॉर्म भरता तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज अच्छा मिल जाता हिंदी ऑनर्स में। पर इतना डर था कि दूसरे शहर में जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो वहां जाकर के रहेंगे कहाँ, कैसे खाने पीने की व्यवस्था होगी, कैसे उसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। तो यूं करके सोचा गया कि बेहतर है कि रिस्क ना लिया जाए और मेरठ में ही एडमिशन ले लिया जाए। तो मेरठ में जो विकल्प था सबसे अच्छा, वो मेरठ कॉलेज का विकल्प था। मेरठ कॉलेज 1892 का अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है, वहां पर एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर के फिर वही
कि भाई सही मायनों में देखा जाए तो कहते हैं ना कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, और अगर आप चाहो पॉजिटिव रहना तो वहां पर भी कुछ पॉजिटिव करके वहां पर डिबेट्स में और तमाम एक्टिविटीज में एक्टिव रहे और मेरठ कॉलेज के लिए अच्छा नाम कमाने की कोशिश की, और मेरठ कॉलेज अच्छे कारणों से खबरों में आने लगा। तो वो एक कॉलेज का वक्त बहुत अच्छा बीता, कॉलेज की जो मैगजीन होती थी उसमें स्टूडेंट एडिटर रहा लगातार 3-4 साल, और सारे डिबेट्स में नेशनल और स्टेट लेवल पर जाने लगा, और इस तरह से कविता मेरठ में कविता का बहुत अच्छा माहौल है, जो मंच पर कविता का माहौल है। हरिओम पवार मेरठ के हैं, इस तरह से मेरठ में अनामिका अंबर मेरठ की हैं, तो मेरठ में भारत भूषण हुए हैं। मेरठ थोड़ा उर्वर है, क्रांति धरा है, 1857 की क्रांति वहां से शुरू हुई थी, और आज आपको आश्चर्य होगा, आज हम 10 मई को बात कर रहे हैं, आज ही क्रांति दिवस है, 10 मई 1857 के दिन ही मेरठ से वो जो पहली आजादी की लड़ाई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। तो वो क्रांति और वो जो थोड़ा सा मेरठ वालों में रहता है कि वो जो थोड़ा सा एक स्पार्क और एक चिंगारी रहती है, तो उसका हमने पूरा लाभ उठाया, और इस बीच एक काम और किया कि पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया, लेख लिखने शुरू कर दिए, कविताएं लिखनी शुरू कर दी, तो उससे एक एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। भैया इसी पे एक सप्लीमेंट्री पूछूंगा मैं, पूरा प्रश्न प्रभांशु के प्रश्न के तौर पे, जैसा कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट स्कूल लाइफ से कहने की सबकॉन्शियसली एक बिल्डअप होने लगा था यूपीएससी को लेकर के आपके मन में, तो और देखिए भैया दो तरह के हमारे यहाँ क्राउड होते हैं, एक तो जो बिल्कुल 11वीं 12वीं से ऐसा परिवार में माहौल अनुकूल होता है, तैयारी किए जाते हैं कि यू हैव टू गो फॉर सिविल्स एंड ऑल, दूसरे वो होते हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं और बहुत देरी से उनको लगता है कि हमें यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, तो क्या ये जो प्रारंभ करने में लेकर के जो अंतर होता है उसका फर्क क्या रिजल्ट पे पड़ता है, क्या तैयारी के अवधि के बढ़ने घटने पर उसका फर्क पड़ता है, थोड़ा भैया इससे आप। बड़ा ही प्रासंगिक सवाल पूछा आपने जगन्नाथ जी, इसका कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, फर्क क्योंकि बेसिकली यूपीएससी की तैयारी के लिए 1-1.5 साल का समय चाहिए होता है, डेडिकेटेडली समर्पित रूप से 1-1.5 साल का समय चाहिए होता है, वो समय चाहे तो आप 12th के बाद से ही कुछ लोग लग जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो जैसे टीना डाबी का उदाहरण है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया DU से और उस दौरान भी वो तैयारी कर रही थी, और एक अनुकूल माहौल भी था और एक ग्रूमिंग अच्छी थी और परिवार से गाइडेंस भी काफी अच्छा था, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और ये अच्छी बात है, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, पर हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको गाइडेंस मिले, उसको माहौल मिले, उसको परिवार से सपोर्ट मिले, आर्थिक और दूसरी तरह की जरूरतें भी होती हैं, तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 1.5 साल से 2 साल का समय IAS के लिए जरूरी चाहिए होता है, तो वो आप जरूरी नहीं कि आप वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही करें, जैसे मेरा उदाहरण आप देखें तो मैंने MA तक मेरठ से किया और MA के बाद मैं MPhil के सहारे, मतलब आप ये देखिए कि 12वीं के बाद जो लड़का DU से हिंदी ऑनर्स करना चाहता था वो तब तो नहीं कर पाया किसी सामाजिक आर्थिक कारणों से, पर उसके 5-6 साल बाद MA के बाद NET JRF का एग्जाम क्लियर किया, तो फेलोशिप मिलना जब तय हो गया कि जब दिल्ली आएंगे तो कुछ फेलोशिप भी मिलेगी, तब DU का एंट्रेंस दिया, और ये तो एक अलग सही होगा कि एंट्रेंस में भी अच्छी रैंक आई, फर्स्ट रैंक आई, और DU में MPhil में एडमिशन ले लिया, तो जैसे ही MPhil में एडमिशन लिया उस समय JRF में 20,000 रुपये महीना मिला करते थे, 2012-13 की बातें हैं ये, आज से मतलब 7-8 साल की पहले की बातें हैं, उसके बाद जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया तो उसके बाद तैयारी बहुत आसान हुई, तो इसलिए मैं युवाओं को कहता हूँ, एक तो मैं प्लान बी की बात सबको कहता हूँ कि भाई देखो आप अपने एक प्लान बी तैयार रखिए, अगर IAS में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए हवा में नहीं रहना है, अपने को जमीन पर एक तैयारी करनी है कि तैयारी अच्छे से करो, लेकिन जैसे कि चांद की ख्वाहिश करो, कहीं तारे तो बनकर लटक ही जाएंगे, तो लेकिन उन तारों के बारे में पहले से प्लानिंग करके रखो कि अगर इस चांद को हमें प्राप्त नहीं कर पाए बाई चांस, कॉम्पिटिशन है, लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से कुछ सैकड़ों बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, हो सकता है आप उतने लकी ना हो, आपका उसमें सिलेक्शन ना हो पाए, तो उसके लिए तैयार रहिए, तैयार रहेंगे तो बाद में डिप्रेस नहीं होंगे और बाद में ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी। आज आपके साथ वार्ता मुझे लग रहा है भैया कई मिथ को बर्स्ट करेगी यूपीएससी को लेके। रोशन आप अगला प्रश्न करें।
नमस्कार निशान भैया, मेरा सवाल कुछ हटके है। आपके जीवन में एक यूपीएससी क्रैक करने से पहले और क्रैक करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किया कि सिस्टम में ऐसा था अब ऐसा है? और दूसरा सवाल है कि आप हिंदी माध्यम से रहे हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों का सक्सेस रेशियो थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वाज इट अ चैलेंज या फिर आपने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया? दो सवाल आपने पूछ लिए। पहला सवाल तो ये, पहले बाद वाला सवाल का जवाब देता हूँ कि हिंदी माध्यम से होना एक चैलेंज था या एक अपॉर्चुनिटी थी। ये इतना दिलचस्प सवाल है। देखिए, आपने सुना है ना कि वो रेत में से कोई तेल निकाल पाता है क्या? पर रेत में से भी अगर आप पॉजिटिव रहे और आप अध्यवसायी हों, आप मेहनती हों और आप चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो तो आप रेत में से भी तेल निकाल सकते हैं, ऐसी कहावत है। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आया 2012-13 में, उस समय एक आंदोलन चल रहा था कि भाई सी सेट को हटाया जाए और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर आ गए थे। उस समय मैं आया, इतना निराशा का माहौल था। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। पहले एक राजा थे, सुना जाता है कि वो अकबर थे। उनके दरबार में एक व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति को उन्होंने एक सजा दी। उन्होंने सजा दी कि आप जो रात भर ठंडे पानी में, सर्दियों का मौसम था, ठंडे पानी में रात भर आप खड़े रहोगे और सुबह को आप जो है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो वो जो व्यक्ति था रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और बिल्कुल कांपता रहा और उसको बहुत सर्दी का मौसम और ठंडे पानी में रात भर बैठा रहा। उसके बाद सुबह को वो राजा के पास दोबारा से गया तो राजा ने उसको पूछा कि भाई आप ये बताओ मुझे कि आप रात भर ठंडे पानी में कैसे आपने सरवाइव किया। तो उस बेचारे भले आदमी ने कहा कि आपके महल की प्राचीर पे एक दीपक रखा था, मैं रात भर बस उस दीपक को देखता रहा और उसी से मुझे ऊष्मा मिलती रही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जब हिंदी मीडियम से तैयारी करने के लिए आया था उस समय कोई दीपक भी नहीं दिख रहा था। वो अलग बात है कि बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो कई लोगों को वो दूर महल की दीवार पे एक दीपक मेरे रूप में दिखता रहा। दीपक बन गया फिर तो नहीं, मतलब मेरे पास वो दीपक भी नहीं था उस समय। इतना गैप था कि मेरे से पहले कोई अच्छी रैंक आई हुई उसमें 7-8 साल 10 साल पहले की बात थी। किरण कौशल की रैंक आई थी, रैंक थी उस समय, ये बात थी। अब बात है कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो करके दिखाऊंगा और मतलब सारे मिथक तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये था कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे सफल होना। एक अच्छी बात थी मेरे साथ कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि हिंदी मीडियम से मैं हूँ तो इसका मतलब मैं किसी से कमतर हूँ या फिर मैं किसी से हीन भावना या कुंठा, इस तरह की कोई चीज मेरे अंदर नहीं थी। मैंने अपनी मजबूरी, जिसको लोग मजबूरी समझते हैं हिंदी मीडियम से होना, उसको अपनी मजबूती बनाया। अपनी लकीर को बड़ा करने का मैंने संकल्प किया कि खुद अपनी लकीर को बड़ा करना है, अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाना है, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाना है, और वही हुआ। ये एक संयोग है कि वही हो गया और आगे सर्विस में भी मुझे हमेशा हिंदी का होने की वजह से हमेशा सम्मान ही मिला और हमेशा मुझे लोगों ने अच्छी नजरों से देखा। मुझे कभी कैसी हीन भावना का या किसी चीज का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं खुद ही हीन रहता तो शायद ऐसा ना हो। एक और प्रश्न ये था कि जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो उस समय कैसा माहौल था, एक स्ट्रेस फैक्टर था और किस तरह के सवालों को का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया था इंटरव्यू, वो आपके पास चॉइस होती है, आप 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैंने हिंदी को चुना था। मुझसे पहला सवाल पूछा गया कि आप हिंदी में देंगे इंटरव्यू या इंग्लिश में, जबकि उनको पता था कि हिंदी लिखा हुआ है, ये हिंदी में देगा, फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा कि सर मैं रेफर तो हिंदी को करूँगा पर अगर आप कोई सवाल इंग्लिश में भी पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, ये कह करके इंटरव्यू की शुरुआत की। तो मैं ये बात फिर अगेन एक और ज्ञान की बात, एक और उपदेश दे रहा हूँ कि अंग्रेजी से डरना नहीं चाहिए
और उतनी इंग्लिश अपने को आनी चाहिए जिससे हम अपना काम चला सके और कहीं पे हमको अपंगता का या कमजोरी का या मजबूरी का एहसास ना हो। अगर अंग्रेजी में भी कोई संवाद करे तो उसका भी हम उसको उसी तरह से ग्रेसफुली जवाब दे पाए। अंग्रेजी में अगर कोई पूछे तो उसको अंग्रेजी में ही जवाब देने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और अंग्रेजी में कोई प्रश्न लिखित में पूछा जाए तो उसका अंग्रेजी में लिखित उत्तर भी हम दे पाए। अंग्रेजी को हवा ना बनाए, ये मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से इसीलिए कहता हूँ। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू बहुत सहज रहा, और इंटरव्यू में समसामयिक विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं, आपके बैकग्राउंड पर सवाल पूछे जाते हैं, वो तमाम सवालों की दौर चला, आधा घंटा करीब 35 मिनट इंटरव्यू चला। 5 लोगों का बोर्ड होता है जिसमें 5 कोई विद्वान होते हैं, कुछ एकेडमिक प्रोफेसर भी होते हैं, कुछ आपके पूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी भी होते हैं, तो उन लोगों ने मेरे, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, तो वो इंटरव्यू हुआ। और इस तरह से इंटरव्यू में मेरे बहुत ज़्यादा अंक भी नहीं आए, पर हाँ अबव एवरेज मेरे अंक आए, और मुख्य परीक्षा में मेरे बहुत ज़्यादा अंक आए, तो इस तरह से कुल 13वीं रैंक मुझे प्राप्त। एक तकनीकी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा भैया, कि जैसा आपने अभी बताया कि आप जब गए तो इंटरव्यूअर्स ने कहा कि आप किस भाषा में इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे, तो क्या हमारा मेंस का जो लिखने की जो भाषा है या माध्यम है, जैसे कोई हिंदी में मेंस लिख रहा है, कोई इंग्लिश में, तो क्या आपके इंटरव्यू की भाषा उससे इतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने मुख्य परीक्षा इंग्लिश में दी है तो भी आप चाहें तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में लिख तो लेते हैं पर जब बोलने की बारी आती है तो वो उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने मेंस दिया है कन्नड़ में, तो आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जी भैया, ये कुछ फॉर्मल सवाल थे, एक छोटा सा मैं इसमें इनफॉर्मल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जैसे एक माना जाता है ना कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, जो IAS बनते हैं, वो फिल्में तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, फिल्मों से दूर दूर रहते हैं, उनकी कोई हॉबी नहीं होती, हॉबी होती है तो सिर्फ पढ़ना होती है, तो आपकी हॉबी क्या थी, क्या आप पसंद करते थे, आपको खाने में क्या पसंद है, आप अभी क्या खाने में, जैसे मेरठ का कुछ पसंदीदा आपका व्यंजन होगा, आपका पसंदीदा हीरो कौन है, क्या आपने कभी फिल्में देखी, या पढ़ाकू बच्चों की तरह आपने कहा कि नहीं सिनेमा हॉल मुझे नहीं जाना है, तो थोड़ा सा इन चीजों पर आप चर्चा करें। फिल्मों से मेरा लगातार नाता रहा है, सिनेमा मेरे रुचियों में से एक है, और मैंने लगातार फिल्में देखी हैं। स्कूल में बंक करके नहीं देखी क्योंकि पढ़ाकू बच्चा था, पर बिना बंक किए प्रॉपर परमिशन लेके घर वालों से, और मैंने फिल्में देखी, और अभी भी मैं लगातार फिल्में जरूर देखता हूँ, क्योंकि फिल्मों से हमें पता चलता है कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है, और मनोरंजन तो होता ही है। अभी हाल ही में एक सीरीज आई, फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरीज का भी आजकल फैशन है, अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज आई पंचायत। हाँ, अगर आप में से किसी ने पंचायत का नाम सुना हो या फिर उसको देखा हो, तो आप देखेंगे कि वास्तव में जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, वो कैसे गांव में काम करती है, और कैसे वो जीतू भैया जो है वो कैसे एक शहरी लड़का जो है उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है छोटी सी, और वो गांव में जाकर के कैसे वहां पे चैलेंजेस आते हैं उनका वो सामना करता है, तो वो एक बड़ा दिलचस्प टीवी सीरीज मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है हर एक शहरी लड़के को तो वो जरूर देखनी चाहिए ताकि उसको पता चले गांव का जो फ्लेवर होता है वो कैसा होता है। आप सब लोग तो गांव से जुड़े रहे, और जो लोग कभी गांव जिन्होंने नहीं देखा उनको वो जरूर देखनी चाहिए। इस तरह से फिल्मों में लगातार मैं फिल्में देखना मुझे अच्छा लगता है, और एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करें तो आजकल जो युवा एक्टर्स हैं वो सारे मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे आयुष्मान खुराना और विकी कौशल, और ये लोग बहुत अच्छा हिंदी सिनेमा में कर रहे हैं, और ऐसी एक्ट्रेसेस में भी नई एक्ट्रेसेस जो आई हैं तापसी पन्नू और तमाम, ये लोग तो मतलब सार्थक सिनेमा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हिंदी का जो सिनेमा है वो काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है, और काफ़ी यथार्थ परक विषयों पर मूवीज बनने लगी हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। आपको खाने में क्या पसंद है भैया? भाई खाने में मुझे साउथ इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है, हर साउथ इंडियन डिश मुझे पसंद है, और मेरा जबरदस्त टेस्ट डेवलप हुआ है, और घर में ही हम लोग
मम्मी और वाइफ जो है वो घर में ही बनाती हैं साउथ इंडियन। इसके अलावा नॉर्थ इंडियन में भी चाट पकौड़ियाँ वगैरह सब पसंद है। तो सबसे बड़ी बात ये है प्लीज कि मुझे अलग से दुनिया में अलग कोई प्राणी मत बनाइए, और जैसे आप सब लोगों को जो चीज़ें पसंद है वैसी मुझे भी पसंद है, सबका अपना अपना शौक होता है। और आपने एक बात पूछी थी कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है फाइनली, कई सालों से खुद को ऑब्जर्व करता है ना आदमी भाई, दूसरे लोग तो आपको ऑब्जर्व करते हैं पर आप खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने ये पाया कि लिखना मेरा शौक है, राइटिंग मेरा शौक है, और ये राइटिंग मेरा शौक बचपन से है। अभी भी पता नहीं कितना सारी चीजें हैं जो मैंने कॉलेज में लिखी थी और वो अभी तक लिखी हुई रखी हुई है, उन्हें किसी दिन खोलूंगा। पुस्तक भी आई थी अभी तो हाल में भैया, पुस्तक मेरी अभी 4-5 किताबें आ गई हैं इस उम्र में। सबसे पहले मैंने लिखी थी मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, जो यूपीएससी की परीक्षा की स्ट्रेटेजी बताती है। मैंने उस किताब को हिंदी में लिखा था और वो बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोकप्रिय हुई, अंग्रेजी और मराठी में भी उसके अनुवाद आए। मुझे लगा कि उस किताब से मैंने एक दायित्व बोध का पालन में कर पाया, और युवाओं को बिना किसी मार्गदर्शन जिनको नहीं मिलता है उनको उस किताब से पता चला कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से मिथक होते हैं उनको तोड़ने की कोशिश की मैंने उस किताब। एक और किताब जो आजकल बहुत लोकप्रिय हुई है, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं एक मोटिवेशनल किताब है, मेरी किताब है, हिंदी कुमार वेस्टलैंड से आई है और वो अमेजोन की बेस्ट रीड्स में भी शामिल रही है फरवरी में अभी। मोटिवेशनल किताब है और जीवन के मंत्र बताती है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश की है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो लिखना मेरा शौक है, मतलब मुझे ब्लॉग लिखना, किसी ओकेजन पर कुछ लिखना, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लिखता हूँ, पॉलिटिकल विषयों पे मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो हम लोग वैसे भी अपने रूल्स के हिसाब से नहीं लिखते हैं, और मुझे शौक है सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर लिखने। बिल्कुल भैया, आप ये लिखना अनवरत जारी रखें, क्योंकि जैसा प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि जब आप जैसे व्यक्ति तो कुछ पिन डाउन करते हैं तो मैं जाने कितनी अन्य जो अनगढ़ प्रतिभाएं हैं वो उससे प्रभावित होती हैं और निखरती हैं। एक प्रश्न भैया, कल जब मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आपका ये पोस्टर लगाया कि आपसे हम लोग की वार्ता शीघ्र होने वाली है, तो मेरी एक जूनियर है, उन्होंने पहले तो आपके संप्रेषण स्किल की बहुत तारीफ की, उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रश्न आया है आपके लिए, वो है कि अगेन थोड़ा मैं तकनीक की तरफ जाना चाहूंगा, वैकल्पिक विषय को लेकर के है भैया, कि जैसे आपने भी अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स का जिक्र किया कि फॉर एग्जांपल कोई बीकॉम ऑनर्स है या फिर एंड देन एमकॉम है, लेकिन वो वैकल्पिक विषय का जब चयन करता है तो शायद हिंदी का चयन करता है या साइकोलॉजी का, तो ये जो ट्रेंड है कि आपने आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, जबकि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जिस विषय को आपने 6 साल कोई अब 12वीं से ही कॉमर्स में आ गया या आर्ट्स में आ गया तो आप 5-6 साल जिस विषय को पढ़ते हैं उस पर आपकी पकड़ ज्यादा होगी, फिर आप एक नए विषय की तरफ क्यों जा रहे हैं, या फिर आपको जिसमें सहजता हो आपको वह विषय लेना चाहिए, तो वैकल्पिक विषय के चयन में क्या ध्यान रखा जाए, आपका बैकग्राउंड या आपकी जो इंटरेस्ट है? बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा, और ये बहुत शुरू में सबसे ज्यादा तंग करता है सवाल, जब आप तैयारी करने आते हो तो सबसे पहला सवाल जो आपको, कुछ लोग तो ये सोचने में ही 1 साल निकाल देते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, और कुछ लोग तो ऑप्शनल ले लेते हैं पहले, फिर उसके 1 साल बाद फिर चेंज कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपको जरूर इसका जवाब देना चाहूंगा कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स, लॉ, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के जो विषय हैं वही लोग ले सकते हैं जो उसका जिनका बैकग्राउंड रहा, बिना बैकग्राउंड के उनको लेना संभव नहीं है। लेकिन कुछ विषय नॉन टेक्निकल होते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो अदरवाइज भी लोकप्रिय हैं, यानी आपने अगर उनमें ग्रेजुएशन नहीं भी किया है, साहित्य भी उनमें से एक है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, इनका जो साहित्य है ये भी बहुत लोकप्रिय है बच्चों में, तो ये वो विषय हैं जो बिना बैकग्राउंड के भी लोग लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि आपको जब ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करने का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो बैकग्राउंड का विषय है वो आजकल कैसा ट्रेंड है उसका यूपीएससी। अगर आपके बैकग्राउंड का विषय ही अच्छा स्कोर कर रहा है और आपको उस बैकग्राउंड के विषय में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड तो है पर उस समय पढ़ाई नहीं की,
तो वो आता ही नहीं है, वो विषय बस डिग्री है, तो वो तो अपने को पता होता है कि अपन कितने पानी में है। तो अगर अपने को पता है कि अपने का बैकग्राउंड का विषय मजबूत है और यूपीएससी में अच्छा स्कोर भी कर रहा है तो उसको लेना चाहिए। जैसे मैंने एमए और एमफिल हिंदी साहित्य में किया है, तो मैंने हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया और मुझे अच्छे अंक आए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या बीकॉम ऑनर्स किया उन्होंने श्रीराम कॉलेज से, वो कॉमर्स लेते हैं और कॉमर्स से सफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया और लॉ ऑप्शनल लिया और लॉ से सफल हुए वो। और भी मेडिकल साइंस जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका बैकग्राउंड का विषय अच्छा है और आपको उसमें कमांड भी अच्छी है और आपको यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर रहा है वो सब्जेक्ट, तो वो ले लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस भी है, जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, फिलोसफी ले लीजिए, कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं आजकल, साइंस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं, ज्योग्राफी भी काफ़ी लोकप्रिय है, सोशियोलॉजी काफ़ी लोकप्रिय है। तो इनमें से जो विषय आपको भाता हो और जिसमें गाइडेंस उपलब्ध हो और जो यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर रहा हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको विषय चुनना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे लग रहा है हम लोगों ने जितना समय भैया से मांगा था भैया एक्सीडिंग, बट ये भैया की जेनरोसिटी है कि अब तक हमें भैया ने टोका नहीं है। रोशन, आपके पास कोई प्रश्न हो उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे। एक जो जनरल अवधारणा है ब्यूरोक्रेसी के प्रति की, एक लो ट्रस्ट कमांड करती है आम लोगों के बीच में, रेड टेपिज्म है, पूरा अकाउंटेबिलिटी का इशू है, तो हम इस अवधारणा से कैसे दूर हट सकते हैं, कैसे एक समाज में सिविल सोसाइटी लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक बैलेंस डाइकोटॉमी डेवलप हो सकता है। देखिए, आपने जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच में ट्रस्ट की बात की, तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो दूसरे प्लेनेट से नहीं आती है या फिर दूसरे महाद्वीप से नहीं आती है, वो हमारे ही बीच में से लोग होते हैं जो एक ओपन एग्जाम दे करके, जो सबके लिए खुला है, उसमें बड़ी मेहनत से उस एग्जाम की तैयारी करके और उसको क्वालिफाई करके ब्यूरोक्रेट बनते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो। तो हमारे ही समाज का प्रतिबिंब वो ब्यूरोक्रेसी होती है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि ब्यूरोक्रेसी, सरदार पटेल को याद कीजिए आप, सरदार पटेल ने जब सिविल सेवाओं का भारत में जिन उन्होंने उसका प्रावधान रखवाया था संविधान में, और सरदार पटेल ने कहा था कि हमारा देश तब तक यूनाइटेड नहीं हो सकता जब तक हमारे पास एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा ना हो जो अपनी बात खुलकर कह सके। तो सरदार पटेल ने आईएएस और आईपीएस को मजबूत बनाने पर बल दिया था। आप इस चीज को आज देखिए, जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, आप देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स लगातार मूवमेंट हो रहा है, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करके ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जैसे कि कोटा से एक ट्रेन जा रही है पूर्णिया, या क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश से ट्रेन जा रही है बंगाल में हावड़ा में। तो इस सब व्यवस्था को आप देखिए, जो समन्वय का काम जो कर रहा है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो ये एक उदाहरण है, बाकी आपदा प्रबंधन होता है इस देश में, जब चुनाव होता है, जब 125 अरब लोग के बीच में एक चुनाव कराना होता, उस समय ब्यूरोक्रेसी किस तरह से, किस एफिशिएंटली, बिना किसी आरोप के, बिना किसी, अगर आप अफ्रीकी देशों में देखें, देश लोग दुनिया देख करके हतप्रभ है कि कैसे भारतीय ब्यूरोक्रेसी चुनाव संपन्न कराती है, इतना बड़ा महापर्व संपन्न हो जाता है। तो ये तो सब कहने की बात है, आलोचना भी चलती रहेगी और आलोचना का स्वागत भी होना चाहिए, लाल फीताशाही भी रहती होगी और अकाउंटेबिलिटी का इशू भी रहता होगा, पर फिर भी मैं 4-5 साल ब्यूरोक्रेसी में बिताने के बाद ये कह सकता हूँ कि जो सिविल सेवाएं हमी हमारी जो देश की सिविल सेवाएं, उस पर हमको गर्व होना चाहिए, वो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कमियां तो सब में होती हैं, अगर हम अभी कमियां चुनने लगे तो अकादमिक जगत में प्रोफेसरों में 4 कमियां आप निकाल सकते हो, डॉक्टरों में, पुलिस में, स्टूडेंट में, वकीलों में, सब में आप कमियां निकाल सकते हैं, पर जो सिविल सेवाएं उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो ओपन एग्जाम के थ्रू होती है, तो किसी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना एग्जाम दे करके, ओपन एग्जाम, फेयर एग्जाम होता है, कोई निष्पक्षता के साथ, आज तक कोई यूपीएससी पे आरोप नहीं लगा पाया कि इसमें नकल हुई थी, तो नकल से आईएएस नहीं बन सकते हो आप, तो सबके लिए खुला है, तो वो आकर के खुद करके कुछ दिखाएं, और जो आदमी करता है उसकी थोड़ी आलोचना भी होती है।
तो आलोचना से तो कोई भी परे नहीं है, यहाँ तक कि जब भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं। लेकिन उससे अलग आप जैसे जो अधिकारी हैं जो दिन रात हर परिस्थिति में इस भारत देश के ये स्टील फ्रेम जो कहते हैं हम उसका कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमारा नमन है आप जैसे सिविल अधिकारियों को। भैया प्रभांशु मैं चाहूंगा कि आप एक कंक्लूडिंग प्रश्न और औपचारिक तौर पर वोट ऑप्शन, हालांकि भैया हमारे बीच के हैं जैसा कि कहा दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल रहा है, बट फिर भी आज भैया एक मेहमान भी है हमारे लिए। प्रभांशु आप एक कंक्लूडिंग प्रश्न और भैया को सभी अच्छी बातों का एक अंत भी होता है तो एक अंतिम सवाल पूछ करके और फिर समाप्त करते हैं। एक तो भैया एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि अगर कोई आईएएस बनना चाहता है कोई बच्चा तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? दूसरा जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस में नौकरी से शुरुआत की, आप राजभाषा अधिकारी रहे और मैं आपका डिपार्टमेंट जूनियर रहा, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट में आपका नाम देखा उस दिन पता चला कि आप तो आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे। तो लोग ऐसा हवा बनाते हैं कि कमरे में बंद हो जाना है, 20-20 घंटे पढ़ाई करनी है, नौकरी और तैयारी साथ साथ नहीं हो सकती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई आईएएस बनना चाहे कोई बच्चा तो पहला काम उसे शुरुआत क्या करनी चाहिए? देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रचार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप बताएं फेसबुक पे कि आई एम एन आईएएस एस्पिरेंट, है ना, अपने प्रोफाइल में लिखे कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ ताकि लोग आपसे डरे कि भाई कल को आईएएस बन जाएगा ये, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तैयारी शांत होनी चाहिए और आपकी सफलता को शोर मचाना चाहिए। तो इसलिए अनावश्यक शोर नहीं मचाएं क्योंकि उससे एक दबाव भी क्रिएट होता है, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग भी बाद में मजाक बनाते हैं कि हाँ भाई आईएएस बनने चले थे और मतलब ऐसा हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसको छुपाना भी नहीं है पर बताना भी नहीं है और अपना शांति से तैयारी करनी है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि लोग कहते हैं कि भाई बंद हो जाओ कमरे में, तो बंद हो जाओ कमरे में समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, पर अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना है क्योंकि अगर हॉबीज पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डल बन जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अजीब सा हो जाएगा और आप आजकल जमाना है डायनामिज्म का, आप डायनामिक रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा लेकिन साथ में सजीव बने रहिए, मतलब मृत नहीं बनना, डल नहीं बनना है, और अपने शौक जो आपकी हॉबीज हैं उनको थोड़ा सुबह शाम वॉक करना, थोड़ा म्यूजिक सुनना, कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक पिक्चर देखना, इस तरह का थोड़ा उसको मतलब नॉर्मल इंसान बन के रहिए, वरना आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की समस्या भी आ सकती है। तीसरी बात सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ये विश्वास जगाना है कि हाँ ये हो सकता है। यूपीएससी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप कोई और भी चीज अगर करना चाहते हैं तो डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने जो है वो खुली आंखों से देखे जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, एक आस्था जगानी है कि हाँ वास्तव में ये काम हो सकता है। प्लान बी जरूर तैयार रखना है, ऑप्शन जरूर तैयार रखना है, पर प्लान ए भी संभव है, ऐसा विश्वास खुद में जगाना है, जो आत्मविश्वास है, रुक जाना नहीं वाला जो विश्वास है वो हमको जगाना है। और मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां जो मेरी सिग्नेचर लाइन्स हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, हमेशा मैं हर मंच पर वो कविता वो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ और आज भी सुनाए बिना मैं नहीं रहूंगा, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो, कितना भी लोग निराशा की बातें करें पर जो हमारी ये नदी है इसकी धार से भी ठंडी हवा आती है तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती। क्या आईएएस बनकर ऐसा लग रहा है भैया आपका सपना पूरा हो गया है या अभी और कुछ सपने हैं या यही आपका एकमात्र प्रमुख सपना था? नहीं, ऑब्वियसली सपना तो ये था, स्कूल में और कॉलेज में यही सपना देखा था, ये सपना पूरा हो गया है, पर ये यात्रा कभी रुकेगी नहीं क्योंकि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, है ना। तो सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, और इसी तरह से सफर चलता रहेगा, जिसमें समर्पण होगा, जिसमें सेवा होगी, जिसमें संवेदनशीलता होगी, जिसमें क्रिएटिविटी भी होगी, इस तरह से एक परिवार और दोस्तों के लिए भी समय होगा और एक ऐसी अच्छी बेहतर दुनिया जहाँ पर
हम दूसरों के विचारों का सम्मान कर पाएंगे, हम दूसरों की बातों को भी ध्यान देंगे और एक बेहतर भारत बनाने की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा सपना मेरा है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर, हम सब युवा मिलकर, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरित होकर, हम गांधी जी से प्रेरित होकर लगातार इस देश को बेहतर बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बिल्कुल भैया, और मुझे लग रहा है इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो एक संदेश आपने जो दिया, जो एक कंक्लूडिंग लाइन मैं कह सकता हूँ कि हमें कभी भी जड़ बन के नहीं रहना चाहिए, चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान या जैसा प्रभांशु के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि एक आईएएस बनने के बाद भी एक सफर जारी रखें। भैया इस कठिन दौर में, इस दिनचर्या आपकी इतनी कठिन है, अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्वाह कर रहे हैं, इसके बाद भी आपने हम सबों के लिए सोचा, जैसा कि आपने कहा अपने फेलो यूपीएससी वालों के लिए सोचा, और बिल्कुल वो जो आपने मजाकिया तौर पे ही कहा लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, अपने फेसबुक से यूपीएससी एस्पिरेंट वाला कर्म हटा दे, आईएएस बन जाए तो लगा ले। तो आपका हृदय, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लिखिए कि एमए फ्रॉम हंसराज कॉलेज, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए, ये क्या बात हुई कि आईएएस एस्पिरेंट, भाई मतलब जनता को डराना चाहते हो क्या भाई? निशान भैया, आपके हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आपका रचनात्मक व्यक्तित्व तो यूं ही हम सबका मार्गदर्शन करे, यही मेरी परम सत्ता से आपके लिए प्रार्थना होगी, आप खूब आगे बढ़े, खूब हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत मजा आया, प्रभांशु, जगन्नाथ और रोशन, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल इंडिया रिपीटिंग सोसाइटी, थैंक यू। थैंक यू।